हेलो दोस्तों, तभी आ गया हूँ मैं अकबरपुर जंक्शन पे। दोस्तों अभी यहाँ पर बारिश हो रही थी, इसलिए सब प्लेटफॉर्म के नीचे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ पर है। दोस्तों सब जाएंगे दिल्ली, तो अभी दोस्तों हम भी जाएंगे दिल्ली, तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आ गई है, हम ट्रेन में बैठ गए हैं। अभी हमारी ट्रेन निकल गई है अकबरपुर से। दोस्तों अभी हमारे भाई आगे बैठे हुए हैं, तो हम दोनों बंदे जाएंगे अब दिल्ली। तो दोस्तों अभी ये देख सकते हैं हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेट्रो चल रही है आगे। दोस्तों बंदे को देख सकते हैं कैसे उदास बैठा हुआ है। दोस्तों अब देख सकते हैं दोस्तों अभी लाल किला का पीछा हिस्सा है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं दिल्ली में, एंट्री हमारी हो गई है। आप देख सकते हैं लाल किला के जो पीछे हिस्सा, जो यमुना नदी है उसके पीछे जो ब्रिज बना है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। दोस्तों आप देख सकते हैं जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट बना रही है उसे, नया पुल बना रही है। और जो रेड वाला दिख रहा है, अभी लाल किला जो रेड वाला दिख रहा है, ये रेलवे लाइन है जो अंग्रेजों ने बना रखी थी। दोस्तों अभी यमुना नदी को देख सकते हैं, यमुना नदी भी इस वक्त बहुत क्लीन है, पहले बहुत गंदा हुआ करता था, इस वक्त अभी यमुना नदी बहुत क्लीन हो गया। हालांकि पानी 100% साफ है, 100% नहीं तो 40-50% साफ ही हो गया होगा, नहीं पहले बहुत गंदी थी। दोस्तों तभी हमारी ट्रेन लगभग आ गई है रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन आ गई है और यहाँ पर रुकने वाली है। तब यहाँ पर से हम उतरेंगे और फिर हम जाएंगे अपने लोडी में। दोस्तों अभी तो हम बहुत लंबा सफ़र किए। दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अभी मेरा पहला सफ़र है। दोस्तों अभी तो हमें भूख लगी, तो हम यहाँ पर कुछ लंच कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अब देख सकते हैं मैं दोस्तों मेट्रो में लाइन में आ गया हूँ। अब यहाँ से हम टिकट कराएंगे, फिर मेट्रो का सफ़र करेंगे। अभी ये मेरा पहला सफ़र है। दोस्तों आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, दोस्तों अभी ये मेरा पहला सफ़र है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ। आपने दोस्तों मेरा वीडियो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मेरे वीडियो को देख लेना, पीछे मैं ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहला सफ़र है, मेरा पहला सफ़र भी हुआ है, वहाँ पर मैं मेट्रो में सफ़र करूँगा। आप मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, किस नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहा होगा कि मैं मेट्रो में कैसे पहली बार गया हूँ, मेट्रो में सफ़र कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी इस वक्त मेट्रो चल रही है और मेट्रो के अंदर बंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो साफ़ सफाई हर चीज़ की एक सुविधा दी जाती है, सब CCTV के अंदर कैप्चर होता है। हर एक बंदा अगर कोई भी गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया तो तुरंत उसको जुर्माना उसके ऊपर ठोक दी जाती है। यहाँ पर लगभग हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पर आप बैठ रहे हैं, ये बहुत ही ठंडा है दोस्तों, इतना ठंडा है कुछ कहने लायक नहीं है। दोस्तों अभी हम मेट्रो से बाहर आ गए और हमने ले ली सवारी, तो हम सवारी से जाएंगे अपनी कॉलोनी की तरफ। दोस्तों अभी मेट्रो हमारी ख़त्म हो गई थी जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुरी से आगे फिर हमें जाना था लगभग 40-50 किलोमीटर, जो अभी हमें रिक्शा से ही सफ़र करना है, क्योंकि दोस्तों अभी हम बस में नहीं सफ़र कर सकते, क्योंकि उसमें हमारे चक्कर आते। दोस्तों आप देख सकते हैं सिंधु बॉर्डर है, जहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया था, ये सिंधु बॉर्डर। यहाँ पर दोस्तों लगभग किसानों ने 1 से 1.5 साल तक आंदोलन किया था, आप जानते होंगे, देख रहे थे न्यूज़ पे, जो वर्ल्ड वाइड फेमस था किसान आंदोलन, इंडिया का किसान आंदोलन। दोस्तों अब हम आ गए अपने कॉलोनी के पास, आप देख सकते हैं आगे हमारी कॉलोनी दिख रही है।